हेलो नमस्कार गाइस, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में, जैसे आपके गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपने पत्नी हो, आप सेक्स करते हो, ऐसे होती है फ्रेंड्स, मतलब गर्लफ्रेंड हो, अपने पत्नी हो, मतलब खुल के सेक्स नहीं कर पाते हैं, मतलब खुल के मिलन नहीं कर पाते हैं, तो उनको मन का डर ऐसे लगा हुआ रहता है जो शायद बच्चा रुक जाए, शायद प्रेग्नेंट हो जाए, हमारे गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाए, इसी डर से खुल के सेक्स नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए मैं आज आगे हम आपको कुछ टिप्स आज बताने वाले हैं, जो कौन सी टाइम सेफ, मतलब कौन सी टाइम सेफ सेक्स कर सकते हैं। हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल बटन दिया हुआ है उसको भी ऑन कीजिए, मतलब ऑल करके रखिए, जिसमें हमारा हॉर लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल जाया करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको समझ जाने के लिए हम आपको एक कैलेंडर के तरफ ले जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पहले उसको समझिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो आप कैसे पहले हम जान लेते हैं लड़कियों की जो पीरियड सर्कल है। तो फ्रेंड्स, पीरियड सर्कल आप जानते हो 28 से 30 दिन का होता है हर लड़की का। अगर कोई महिलाओं को, कोई लेडीज को अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम ना हो, पीरियड सर्कल डिस्टर्ब की प्रॉब्लम ना हो, तो उन लोगों को हर मतलब 28 से 30 दिन के में पीरियड आ जाता है। तो हम समझते हैं जो फर्स्ट डे, जैसे आज 1 तारीख को कोई लड़की को 1 तारीख को मेंस चालू हुआ, तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक कोई कोई लड़की को 4 से 5 दिन रहता है, कोई कोई वैसे तो 3 से 5 दिन के अंदर हर लड़की को मतलब मेंस कंप्लीट हो जाती है। तो हम बात करते हैं, जैसे 1 तारीख को आया, 2 तारीख को मेंस आया, और 3 तारीख को आया, 4 तारीख को आया, 5 तारीख को आया, इस दिन क्या किया लड़की, माथा वाथा बाल वाल सब धो लिए। तो फ्रेंड्स, किसी किसी को कहना है जो दो मेंस चलाकालीन 2 से 3-4 तारीख के अंदर अगर कोई सेक्स करते हैं फ्रेंड्स, इस टाइम सेफ सेक्स होता है, मतलब प्रेग्नेंट होता नहीं है इसमें। लेकिन किसी किसी को शरीर में मतलब फॉलोपियन ट्यूब में फॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बनता है, और जिस दिन मेंस चालू होती है उसी दिन से फॉलिक्यूल बनना चालू हो जाता है, तो उनको प्रेग्नेंट मतलब कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस टाइम भी कंसीव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जैसे 5 दिन के बाद लोगों को कहना है, 5 दिन जैसे नहा धो लिए, उसके बाद 6 दिन 7-8-9-10 तारीख तक सेक्स करने से प्रेग्नेंट होती है महिला, ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लेकिन इस टाइम भी 50% तक चांस होता है प्रेग्नेंट होने की, बिल्कुल 10 तारीख तक एकदम 50% तक चांस होता है प्रेग्नेंट होने का। तो फ्रेंड्स, 10 तारीख तक 50% चांस बनती है, और उसके बाद 11-12-13 इस टाइम तक ये 3 दिन 80% तक चांस बन जाती है फ्रेंड्स प्रेग्नेंट होने का। तो इस टाइम अगर बात करें हम, सबसे फुल टाइम होती है 14, मतलब बहुत लोगों को कहना है जो हमने ठीक से सेक्स किए नहीं अंदर, मतलब जौनि के अंदर बीज जो प्रवेश नहीं किया, फिर भी हमारे पत्नी, हमारे गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, इस 14 वाले दिन से शुरू करके 18वें दिन तक, इस टाइम महिलाओं से अगर, लेडीज़ों के से अगर आप सेक्स करते हो तो 100% चांस बनती है इस टाइम प्रेग्नेंट होने की। तो फ्रेंड्स, क्यों होता है इस टाइम बहुत ज़्यादा चांस, तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हर महिलाओं के, हर लेडीज़ों में क्या होता है, एक फ्लोबिन ट्यूब होती है गर्भाशय के पास में, अपना जो ओवरी होती है उसके पास में फ्लोबिन ट्यूब होता है, फ्लोबिन ट्यूब में फॉलिक्यूल बनती है, मतलब अंडा बनता है। तो अंडा बनना फर्स्ट डे से चालू हो जाता है, तो फ्रेंड्स 5 दिन तक बहुत कम बनती है, उसके बाद 6 दिन से 10 दिन तक इसमें मीडियम बनता है, उसके बाद 13 से 14 दिन से 18 दिन तक चरों में पर होता है, मतलब बहुत सी ज़्यादा फॉलिक्यूल बनने लगती है। तो फ्रेंड्स, आप सोचो एक बोर्ड में, जैसे मेला में लगा हुआ रहता है बोर्ड में, बहुत सी बैलून ऐसे लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स, इसमें आप बंदूक चलाओ कोई ना कोई लगी जाएगा। तो इस टाइम भी ऐसे ही है फ्रेंड, 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इतना ज़्यादा फॉलिक्यूल बनता है, इतना ज़्यादा अंडा होता है कि इससे इस टाइम कैसे भी सेक्स करो, थोड़ा बहुत एक बूंद भी अगर जाए तो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, 19 से 20 तारीख तक इसका फिर से धीरे धीरे कम हो जाता है, 30% तक आ जाता है, मतलब जो अंडा रहता है वो अपना स्वयंक्रिय भाव से खत्म हो जाता है, धीरे 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 वो फूटने लगता है और कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सेफ पीरियड की बात करें फ्रेंड्स, सेफ पीरियड शुरू होता है फ्रेंड्स 21 तारीख से लेकर जब तक दूसरा पीरियड ना आए। तो फ्रेंड्स, 21 तारीख से लेकर आप जिस दिन दूसरा पीरियड ना आए उस दिन तक आप दबा के कितना बार भी सेक्स करोगे, आपको बिल्कुल भी आपकी पत्नी कंसीव नहीं करेगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगे, आपको मैं दवा के साथ कहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, आपको बिल्कुल भी आपकी पत्नी आपकी गर्लफ्रेंड 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये दिन तक आप कितना भी सेक्स करो, कितना बार भी सेक्स करो, कितना बार भी मिलो, चाहे कितना देर तक सेक्स करो, आपको बिल्कुल भी आपकी पत्नी कंसीव नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट नहीं करेंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप हिसाब लगा के रखिए, आपकी इस टाइम आप सेक्स करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपकी पत्नी बिल्कुल भी कंसीव नहीं करेगा और बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो इस टाइम एकदम सेफ सेक्स होता है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगर हमारे गाइस हमारे अगर जानकारी आपको थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम दूसरे दिन कोई दूसरा टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।